सो हेलो गाइस, निशान दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरे सामने फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल खड़ा है जो सीएनजी वाला वेरिएंट है, सिग्मा वेरिएंट। तो इसकी कुछ ऐसी कीज आती हैं जिसमें लॉक और अनलॉक का ऐसे फंक्शन मिलता है आपको। ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शन है इसमें। तो आज इस पूरी कार का हम रिव्यू करने वाले हैं कि इस वेरिएंट में आपको जो बेस वेरिएंट आप प्लान करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स आपको सब कुछ मिलेगा। तो फ्रंट प्रोफाइल से कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको DRL मिलती है। जैसे मैं इसको अगर लॉक करता हूँ तो ये यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स ग्लो करेंगे। यहाँ नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती हैं, LED नहीं है, हैलोजन्स होंगे। बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर्स मिल रहे हैं इसमें। यहाँ पे आपको ऐसी ग्रिल मिलेगी, नीचे आपको थोड़ी स्कर्टिंग्स मिल जाएगी, सिल्वर गार्निश में होती है। बाकी फ्रंट लुक इसका पूरा ऐसा है। फ्रंट में बस ये आपको एक क्रोम का पार्ट भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। साइड प्रोफाइल में जाते हैं तो साइड में आपको स्टील व्हील मिलते हैं विद व्हील कवर्स। ये CNG वाला वेरिएंट है बेस मॉडल में। तो इसके जो टायर प्रोफाइल है वो 16 इंच का बेस मॉडल में मिलता है। 16 इंच का टायर मिलेगा R16। यहाँ पे पूरी क्लैडिंग मिलेगी, जैसे कि SUV थोड़ा सा लुक में मारुति ने बनाई हुई है, तो आपको उसमें क्लैडिंग्स भी जो है साइड में मिलती है। इंडिकेटर्स जो आपको फेंडर पे मिलेंगे, RPMs जो है आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। ये मैनुअली आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, मतलब फोल्ड और वैसे जो करने हैं आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये जो है डोर हैंडल्स ब्लैक कलर के मिल जाएंगे यहाँ पे। ऊपर जो है रूफ रेल्स भी आती है इसके अंदर, और क्रोम का तो कोई ट्रीटमेंट आपको मिलेगा नहीं बेस मॉडल में। पीछे टेल लाइट देखोगे तो ये पूरी LED है, बीच में ना आपको ये लग रहा होगा ये कनेक्टिंग टेल लाइट, लेकिन कनेक्टिंग नहीं है ये, सिर्फ ऐसे ही लुक के लिए रिफ्लेक्टर टाइप कह सकते हो उसको। सिर्फ इतना पार्ट जो है इसका ये जलता है, जो ये वाला पार्ट है ये आपका टॉप मॉडल में ही है। ये इधर यहाँ पे हो गया, बैकलाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह सब यहाँ पे। नीचे रिफ्लेक्टर आ गए, चारों पार्किंग सेंसर्स आ गए, और यहाँ पे कैमरा आता है वैसे, लेकिन बेस मॉडल में कैमरा नहीं है, टॉप मॉडल में कैमरा लगेगा जिसमें स्क्रीन आती है। CNG वाला वेरिएंट शार्क फिन एंटीना ऊपर मिल जाएगा, रियर डिफॉगर्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे डोर्स आप खोलते हैं तो डोर्स में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता है, लेकिन लेदर टच जो होता है ना वो नहीं मिलेगा, फैब्रिक पार्ट है ये वाला, और इतना पार्ट फैब्रिक है, ये वाला पार्ट जो है हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट फोल्ड का ऑप्शन नहीं है, आप आफ्टर मार्केट आप करवा सकते हैं, लेकिन कंपनी ने थोड़ा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे विंडोज लॉक कर सकते हैं, और क्या कहते हैं डोर लॉक अनलॉक, चारों पार विंडो, ठीक है। और इंटीरियर में देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको जो है नहीं मिलती। अब जैसे कि ये CNG वाला वेरिएंट है तो CNG के हिसाब से आपको पता है यहाँ पे आपको बटन मिलेगा फ्यूल का, वो कंपनी ने अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको पेट्रोल पे चलाने पेट्रोल पे चला सकते हो, CNG पे चलाने CNG पे चला सकते हो। ये पूरा इसका इंटीरियर का सेंटर कंसोल है, इसमें स्क्रीन वगैरह तो मिलती नहीं, ऑब्वियसली बेस मॉडल है तो स्क्रीन तो कंपनी देगी नहीं, बट ये है कि बेस मॉडल में आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है आपको मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग आपको मिल रही है, और स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। जो स्टेयरिंग व्हील है ये भी ओनली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं आता इसके अंदर। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, और हेडलाइट लेवलर है यहाँ पे, और डैशबोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिल्वर गार्निश टाइप आपको यहाँ पे मिलती है। ये पूरा जो है हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, पूरा हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे आपको मैनुअल आईवे मिलता है, और यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं है। सेंट्रल कंसोल कुछ ऐसा है, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पे 5 गियर्स आपको इसमें मिलते हैं, एक रिवर्स, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट है, कोई USB पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस है बॉटल होल्डर के लिए, डोर्स में आपको स्पेस मिल जाएगा। ये है इसका ग्लो बॉक्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर का थोड़ा सा आपको लुक देखने को मिलता है। ये वाइपर के कंट्रोल्स आ गए इधर, यहाँ पे आ गए आपके इंडिकेटर्स के कंट्रोल, ठीक है। ये पूरा डैशबोर्ड हो गया इसका। आप चलते हैं पीछे की साइड में, पीछे आपको दिखा देता हूँ बेस मॉडल का। अब पीछे की साइड आते हैं तो पीछे भी सेम आपको यही चीज मिलती है यहाँ पे, ये सॉफ्ट टच वाला पार्ट ये हो गया। नीचे स्पीकर्स आपको नहीं मिलेंगे, ब्लैंक है ये, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगा बोतल होल्डर का। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे भी मिलता है, चार्जिंग के लिए जो भी आपको करना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है। और तीनों जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं, सीट जो है 60-40 आप स्प्लिट कर सकते हो। आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं ये भी आपको जो है एडजस्टेबल मिलते हैं, ठीक है। अब बूट एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये आ जाता है इसका बूट। अब CNG तो आपको पता है स्पेस वगैरह तो इसके अंदर मिलेगा नहीं, तो जो भी है स्पेस इतना ही स्पेस है जो आपको मिलता है इसके अंदर, और कोई ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपके जैक वगैरह जो है यहाँ पे आते हैं, स्पेसिंग वगैरह के हिसाब से जो ठीक रखा हुआ कंपनी ने, ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे यहाँ से नीचे से आपको निकालना पड़ता होगा सामान सारा। पार्सल ट्रे वगैरह आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। बाकी ये था पूरा ओवरव्यू, एक बार गाड़ी का अच्छे से वॉकराउंड कर लो आप।
वीडियो तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।